हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं बेसिकली। जी सर, तो क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपके लाइफ के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ? जी जी 10 महीने का था हाँ और बुखार में फालिस हो गया था पूरे शरीर पर, और गुर्बत इतनी थी कि माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे इलाज कराया। जब 3 साल का हुआ तब जाके थोड़ा थोड़ा होश आया मुझे। मेरे के माता पिता बहुत खिदमत कर रहे, मेरी जगह 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 ले जाते थे मुझे, और इलाज कराते थे मेरा। और थोड़ा बड़ा हुआ फिर आवाज आने लगी, ऊपर बॉडी काम करने लगी, नीचे की बॉडी बिल्कुल अभी भी काम नहीं करती है। और अच्छा, फिर हाँ, जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, जब 8 या 9 साल में वो आया, तो शायद वो फिल्म उमराव जान आपने नाम सुना होगा। हाँ, जी हाँ, उमराव जान फिल्म जो रेखा जी के अदाकारी के अंदर आई थी एक, तो उसमें एक सॉन्ग आया था, गजल जिसे कहते हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है, वो तो सबने ही सुना है। जी, तो उसको जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना उस सॉन्ग को, तो वो मेरे दिल को कुछ ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही गा रही है। अच्छा सर, जी हाँ, उसको मैंने ध्यान से सुना, फिर दोबारा रिपीट करके सुना, मतलब वक्त गुजरता गया, और मैं उसको उसका कौन सा जी आपको लाइन ऐसा लगा कि आपके लिए ही है? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड हाँ जरा, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। हाँ सर, इट्स ओके। जी, हाँ सर, तो वक्त गुजरता गया, उसको मैंने याद किया, उसकी वो लाइन थी, अगर आप कहें तो मैं गा के बता सकता हूँ उसको। हाँ सर, जी जरूर। हाँ, तो उसकी जो लाइन थी जो मेरे से जुड़ रही थी, तो उसकी चंद लाइन आपको गा रहा हूँ आपके लिए। हाँ सर, कहिए तो, कहिए तो आसमां, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो इसमें जो लाइन आई थी, कहीं सर पर बहुत बहुत ही उतारना है। ज्यादा बढ़िया गाया आपने, बहुत ही ज्यादा, सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही तो ज्यादा इसमें अच्छा गाया। जो, थैंक यू, थैंक यू, तो इसमें जो लाइन जो थी ना, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, तो जब मैं हाँ समझदार सा हुआ, मुझे लगा कि भाई अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, जब ये कह रही है कि मैं कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी जी, अगर ठान लीजिए, तो मेरे लिए वो मुश्किल ही नहीं है अगर मैं उसको ठान लूं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। फिर मैंने हाँ उसको थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उसको गाना शुरू किया, और जो मैंने गुरु बनाए उनके पास जाना शुरू किया, और अच्छा, मतलब आज आज बस वो मालिक है मेरा, आज ऑल इंडिया में इतने बड़े बड़े मंच पर गाता हूँ, जैसे मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस मंच पर गा सकता हूँ, लेकिन वहां बड़ी चाहत से लोग सर बुलाते हैं मुझे। आपके सर बहुत अच्छा गाते हैं आप, इसीलिए आपको सब बुलाते हैं।
सर ये गाना सुनते थैंक तो यू सो बहुत मच। ही ज्यादा सर गूजबम्प से आ गया ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा था गाना। जी। सर एक एक अब इंटरव्यू के एंड में, अभी तो नहीं, एक इंटरव्यू के एंड में एक और आप कोई भी अपना मनपसंद गाना एक बार गा दीजिएगा बस, जी, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल पसंद बिल्कुल। रहेगा सर। तो जी एक जी जी दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, तो जी आपको कठिनाइयां हुई कुछ सोशल लेवल पे? हाँ, बहुत कठिनाई आई जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गायकी को लेकर आगे बढ़ना चाहा, तो हम मेरे एक मास्टर जी बोलते हैं जिन्हें जो संगीत सिखाते हैं, हाँ सर, तो मैं उनके पास, मेरी दिव्यांगता को लेकर मैं उनके पास गया। मैंने, सर मुझे है ना, आप है ना एक गाने का चांस दीजिए, तो क्या पता मैं समाज में कुछ बन के दिखा सकूं, किसी को कुछ कर सकूं। तो हाँ उन्होंने एक बात ऐसी कही, एक बात ऐसी कही कि मैं टूट गया। उन्होंने एक बात ऐसी कही मुझसे कि बेटा मैं तुझे सिखा तो दूंगा, लेकिन तुझे उठाए उठाए कौन फिरेगा। अच्छा, बस जैसे आप मेरी जिंदगी, जी, जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने क्या कहा, अगर सीखूंगा तो फिर ये भी दिक्कत आएगी कि मुझे उठा उठा के कौन ले जा करेगा, ये भी परेशानी है, क्योंकि गुर्बत हालत है ना, तो किसी सवारी की सुविधा ना किसी के कोई गार्ड ऐसा कि जो मुझे उठा के ले जा सके। आगे की सोचा ही नहीं कि कभी कभी इतना बड़े गायकार बनेंगे कि आगे सपोर्ट मिलेगा, कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि जो छोटी सोच थी उसी हिसाब से काम कर रहे थे हम। और वो मन में आ गई बात कि भाई जो कह रहे तो सही कह रहे हैं कि उठाए उठाए कौन फिरेगा। फिर जब भी एक बात और ठानी कि आप इस कदर गायकार बनना है कि लोग उठाने में शर्म ना करें कि यार इस विकलांग को उठा रहे हैं, वो ये सोचें कि यार सब इसको कलाकार प्राउड को फील लेकर होना जा रहे हैं। चाहिए, बहुत 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 बढ़िया जी सोचती है आपकी सर। जी हाँ, मैंने उसको ऐसा सोचा, मैंने कहा अब ऐसा बन के दिखलाना है कि कोई भी आदमी भक्के यार और जो उठा के ले जाए मुझे कि जी मैं लेके जाऊंगा अपने सर को, मैं गवाऊंगा स्टेज पे। तो मैंने फिर 2 साल मेहनत करी, मैंने दिन नहीं देखा ना रात देखी। अगर मैं सो गया, सोने के बाद मेरी आंख खुलती रात को 1 बजे, उस टाइम बस मुझे कुछ भी नहीं सोचता था, बस ये सोचता कि मैं हूं और मेरा गाना है। मैं रात को 1 बजे शुरू हो जाता था, और जो मेरे पड़ोस में कॉलोनी में लोग रहते थे, वो मुझसे बोलते थे, अरे भाई सो जा भाई, तानसेन सो जा भाई, तू तो सोता नहीं, हमें भी नहीं सोने देता। अच्छा, तो बस वो मुझे जुनून था, उनको उनको परेशान करना नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था कि एक दिन ये कहे कि आज हमारा आरिफ वहां गाने गया है। जी, और जब मैंने 2 साल बहुत मेहनत बहुत ही करी, बढ़िया पूरे सर। 24 महीने, जी हाँ हाँ, जब 2 महीने मैंने मेहनत, 2 साल मेहनत करके मैं उस मास्टर जी का जिसने मुझसे ये कहा था कि उठाए उठाए कौन फिरेगा, उनकी साइड में एक एक प्रोग्राम ऐसा था कि उनमें उनका भी बैंड लगना था शोभा यात्रा में, और मेरा भी बैंड लगना था शोभा यात्रा में। सर, तो वह जी हाँ, तो वहां एक वंदना थी, गणेश वंदना। तो उस वक्त मतलब मुझे 4 घंटे पहले दी गई थी वो वंदना, क्योंकि गणेश जी की सवारी थी, प्रोग्राम गणेश जी का था, तो मुझे 4 घंटे पहले दी गई थी कि आरिफ जी आज है ना यहाँ पर मतलब इज्जत ताव पे लग गई है हमारी, और ये वंदना आप गाओगे। मैंने कहा जी वंदना के लायरिक्स ला के दीजिए आप मुझे, मैं गाऊंगा, बताइए आप कैसे। उन्होंने मुझे वंदना ला के दी, मैंने उसको सुनी, दो दो तीन दफा सुनी उसको, फिर उनका लायरिक्स मैंने लिया और मैंने फिर थोड़ा सा ट्राई किया उसको, और मैं जाके स्टेज पर आ गया। मैंने उधर परफॉर्म दिया अपना वंदना श्री गणेश जी को, मैंने गाया, बहुत अच्छे से गाया। बस मैं कह नहीं सकता कि बस जैसे सर मैं सरस्वती तो मुझे, समझ गया, बहुत ही अच्छा गया होगा आपने। जी, वो सरस्वती मुझे है ना अलग से वरदान दे देती है उस वक्त जिस मैं गाने गाने बैठता हूँ। सही जी, बात है सर, जब मैंने परफॉर्मेंस वो करते वक्त मेन जी आता है। जी 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 जब मैंने वो वंदना गाई, तो वो मास्टर जी जिसने मुझसे ये कहा था कि तुझे उठाए उठाए कौन फिरेगा, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और मुझसे कहा कि बेटा ऐसा है, कल कभी एक मेरे पे प्रोग्राम है तो उसमें आप गाओगे मेरे यहाँ। अरे वाह, मुझे बात उनकी बढ़िया सर। मुझे उनकी बात मुझे उनकी एकदम वो बात याद आएगी, मैंने सर मुझे उठाए उठाए कौन फिरेगा। लेकिन अगर मैं उनको जवाब देता इस बात का कि जी मुझे उठा उठाए कौन फिरेगा, मैं उनसे बदला ले लेता। मैंने उनसे कहा कि जी आपके सर यहाँ मैं यहाँ पर प्रोग्राम में बड़े आऊंगा, बंदे का लेकिन नाम मैं, लिखा है। जी हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ प्रोग्राम में आऊंगा, लेकिन मुझे उठाए उठाए कोई नहीं फिरेगा, मैं खुद उठूंगा और खुद बैठूंगा। बढ़िया सर, तो वो जी हाँ, तो वो बोले यार आरिफ भाई ये कौन सी बात करी। मैंने कहा सर आपने ही कहा था, एक बार मुझसे याद कीजिए,
जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास काम मांगने आया था, आपने कहा था कि मुझे उठाए उठाए कौन फिरेगा, तो मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, मुझे याद है आप भूल गए। तो बोले वो बेटा उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बोला उनसे, मैंने अब ये बताई कि वंदना किसकी है, ओ सॉरी ये सवारी किसकी है, तो बोले इनकी भोले बाबा की है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भोले बाबा की सवारी में आऊंगा, शर्त मेरी ये रहेगी कि मैं आपसे इस सवारी के पैसे नहीं लूंगा, ये मैं अच्छा अपनी खुशी से गाने आऊंगा। हाँ आप आगे किसी से कुछ भी पैसा लेना, आप अपनी खुशी से कुछ भी देना, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा इसके। अच्छा सर बहुत तो बढ़िया सर। उनका उन्होंने इस बात को कहकर फिर मैंने उनकी सवारी में गाया। बस मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या गा सकता हूँ और क्या नहीं गा सकता हूँ, कि जिस वक्त बस मैं इतना जानता हूँ कि जिस टाइम मेरे हाथ में माइक आता है ना, बस माइक होता है या मैं होता हूँ बस। हाँ हाँ सर वो तो मैं समझ गया आपका, एक एक दो लाइन सुन के ही वो समझ गया मैं कि क्या आप गाते हैं सर। जी बहुत जी ही बढ़िया गाया था आपने सर। जी जी सर जी तो जी जी सर तीसरा सवाल मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आपके पुराने जी एक्सपीरियंस पे ये जब आपको ये पता चला, ये आपका डिसेबिलिटी के बारे में जब लोगों को पता चला, तो आपकी तरफ से कैसे पेश आते थे? मतलब ज्यादा ही सिंपैथी वैसा करते थे, ज्यादा ही आपको पूछ रहे हैं ये वो, एक्सट्रीम लेवल पे वैसा होता था आपके साथ कि आप, और आपको ये पसंद था कि नहीं? अभी मैंने ना बैंडों में गाना शुरू किया, तो हाँ बस बैंडों में जो कलाकार थे ना वही जानते थे कि मैं डिसेबल हूं, अच्छा और एक भाई हमारे, हाँ उन्हें उनको ही मालूम था कि बैंड में जो कलाकार हैं और कि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि मैं बैंड की ट्रॉली पे बैठ के गाता था तो ऑडियंस को पता नहीं रहता था कि ऊपर बैठा हुआ कौन बंदा गा रहा, तो वहां तो मुझे एक चेयर मिली हुई थी। अच्छा उसके बाद एक मेरे बड़े भाई हैं मेरी बुआ के बेटे, उनसे किसी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत सारी इनाम प्राइज लेकर आता था रोज, तो मेरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होती थी कि हमारा आरिफ इस तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी जोड़ नहीं है ऐसा, मतलब वो बहुत सारी बातें करते थे। तो मेरे जो बड़े भाई साहब है ना बुआ के बेटे, वो चिढ़ते थे इन बातों से, वो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने किसी से ये कहा कि बेटा ये है ना सिर्फ बैंड में गा सकता है, स्टेज पे इसके बस की नहीं है, स्टेज पे ना कम से कम 10,000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं। तो उस बंदे ने मुझसे मुझसे ये बात कही, यार आरिफ मैंने ना तेरे भाई से ये बात कही थी कि वो बैंड में गा सकता है, वो ये बोल रहे हैं कि बस बैंड में गा सकता है स्टेज पे नहीं गा सकता। मैं बोला, मैंने कहा जी ऐसा है, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता, जब सही मैं बात बैंड है। में गा सक जब मैं बैंड में गा सकता हूँ तो मैं स्टेज पे क्यों नहीं गा सकता, स्टेज में क्या है ना। तो मैं बोला, मैंने के भाई को बोलना, वो मुझसे बोलते नहीं थे, नाराज थे किसी बात को लेकर, वो मुझसे बोलते नहीं थे। मैंने कहा भाई को बोलना कि अगली परफॉर्म जो होगी ना मेरी आज के बाद स्टेज पे ही होगी। अच्छा जब सर मैं फर्स्ट टाइम मैंने हाँ जब मैंने फर्स्ट टाइम वहां जाना शुरू किया, लोगों के अंदर बैठना शुरू करा, जो जो स्टेज कराते थे ना, तो मैं उनके पास जाता था, सर मेरा एक प्रोग्राम करा दो सर मेरा, तो वो लोग मुझे विकलांगताओं को लेकर वो तरस तरस खाते थे मेरे ऊपर। मैं समझता था उनकी बातों को, मुझे फील होता अच्छा था कि हाँ अच्छा ये मेरी विकलांगताओं को लेकर, हाँ ये मेरी विकलांगताओं को लेकर ये मुझे मना कर रहे हैं कि यार ये ऊपर कैसे चढ़ेगा, ये ऊपर से कैसे उतरेगा, है ना। तो वो मुझे मना कर दिया करते थे। एक भाई थे हमारे अंदाज म्यूजिकल गुरु, अरशद खान नाम है उनका, तो मैं उनके पास जाके बैठने लगा, क्यों म्यूजिकल डायरेक्टर थे वो, मैं उनके पास जाके बैठने लगा। जब मैंने उनको दो बार अपने सॉन्ग सुनाए तो उनके मन में कुछ आया कि भाई ये बंदा है ना यार कुछ करके दिखा सकता है हमारे मेरिट को। उन्होंने यहीं से मुझसे बात कही कि देखो जी अगर तुम हमारे भारत के लिए हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो तो देखो मैं तुम्हें मंच दिलवा सकता हूँ। मैंने कहा जी मैं अपने भारत के लिए ही गाना चाहता हूँ, मैंने कहा अपने भारत के लिए गाना चाहता हूँ मैं, और मुझे आप मंच दिलवाइए। तो उनका फोन आया मुझे रात को 8 बजे, क्या आरिफ जी मैंने आपके ना एक जगह एंट्री करा दी, अभी आप पहुंच जाइए। वो मैं जो था अपनी साइकिल ट्राई साइकिल लेकर वहां जहां पर उन्होंने मेरा नाम लिखवाया था, मैं वहां पहुंच गया। तो वहां परफॉर्म चल रही थी, बड़े बड़े सिंगर आए हुए थे, मैं भी वहां जाकर अपनी मेरी एंट्री तो उन्होंने कराई थी, नाम लिखवा दिया था। मुझसे पूछा गया कि आप कौन हो, मैंने बताया जी मैं आरिफ आ गया हूँ, तो बोले कि हाँ आपका नाम है, 7वां नंबर है आपका। मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैं वो जब मैं 7वां नंबर आया मेरा तो मेरी परफॉर्म आ गई, मैं हिंदी तो पढ़ा हुआ हूँ मैं, और हिंदी में लिरिक्स आता है लिखा हुआ, वहां हिंदी में
लिरिक्स जिंदा लिखा हुआ था म्यूजिक के साथ। अब मैंने अपना मोबाइल इस तरह जी रखा और मैं अपने साथ मोबाइल लेकर बैठ गया, माइक मेरे हाथ में आ गया, मैं गाना शुरू कर दिया। और जब मैंने गाना शुरू कर दिया तो जितनी भी वहां ऑडियंस थी तो उनको चेयर नहीं थी बैठने की, वहां खड़े मतलब लोग खड़े होकर देख सकते थे प्रोग्राम, क्योंकि जगह अच्छा बहुत अच्छा बड़ी थी ना वो। हाँ तो छोटी जगह थी, सॉरी छोटी जगह थी, वहां तो बैठने का कोई साधन नहीं था, लोग खड़े होकर सुन सकते थे और बिल्कुल स्टेज के नीचे खड़े थे लोग। तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, तो उस टाइम मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा था, बस बस रोटी के भी ऐसे चल रहा था सिस्टम की, अगर एक दफा बन गई तो शाम की छुट्टी और शाम को बन गई तो सुबह की छुट्टी। तो मैं जो वहां गाने गया, पहले ही साउंड पे मैं 2700 रुपये लेकर आया। बहुत जो वहां बढ़िया ऑडियंस सर। थी, जो हाँ जो वहां ऑडियंस थी, जिसके जिस जिसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो भी निकाला, उनको ये नहीं मालूम कि मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं, बस उन्होंने स्टेज पे मुझे नजराना पेश कर दिया। मैं बोला भाई ये तो अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा भाई। हाँ ये प्रोग्राम बहुत तो बहुत अच्छा। अच्छा रहा भाई। हाँ, तो मैंने कहा भाई आज के बाद प्रोग्राम ही गाने स्टेज पे करना काम। सर वो आपका उस पहला दिन था से फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस, पहला जी वो मेरा वो पहला परफॉर्मेंस था स्टेज पे। उसके बाद मेरा यादगार हवाओं खुलता परफॉर्मेंस। गया जी। हाँ, वो उसके बाद मेरा हवाओं खुलता गया और मैं स्टेज पर गाता रहा, बस नोटों की बारिश होने लगी। बस बहुत पैसा आया मेरे पे, बहुत पैसा आया। और फिर लोगों को पता लगा कि हाँ ये आदमी डिसेबल है। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिर लोग ये कहने लगे जो अपने अंदर है ना, ये कहते थे कि भाई इस विकलांग के पास नहीं बैठना, फिर वही वो लोग कहने लगे आरिफ भाई के साथ मैं जाऊंगा प्रोग्राम में, आरिफ भाई के साथ मैं जाऊंगा प्रोग्राम। सही बात है, सही बात है सर। क्योंकि आपने ये अचीव किया, बहुत जी बहुत बड़ी बात है। जी जी बहुत बहुत लोग आपके तो फैंस भी होंगे, ऐसा आप गाना आप बहुत गाते सारे हो। बहुत सारे फैंस हैं, ऑल इंडिया के अंदर फैंस है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी मैंने अभी वीडियो रोक रखे हैं अपने, मैं दे नहीं रहा उनको वीडियो, अच्छा क्योंकि मेरे साथ एक गड़बड़ कर दी किसी ने, कि मैं उनको अपना समझ के ना वीडियो देता था अपना, कि भाई ये मेरे वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे और जी उसका नाम होगा, बस मैं तो खाली नाम की जरूरत थी कि मुझे पैसा तो मैं यहीं से बहुत तरह कमा लेता था। तो उनको वहां से पैसा मिलने लगा था कि हमें जो है ना सिर्फ आरिफ का वीडियो दे अच्छा करो, बोले का वीडियो दिया करो और हमें किसी का वीडियो नहीं चाहिए। तो वो बोले कि आरिफ जी जरा अपना वीडियो हमें भेज दो, मैं वीडियो देता रहा। तो बीच में कोई बंदा था एक ऐसा जिसने ईमानदारी से काम लिया, वो बोला मुझसे कि आरिफ जी आप जो है ये जो आप वीडियो देते हो ऑस्ट्रेलिया में जाता आपका वीडियो, तो आपको उसका कुछ बेनिफिट है? मैंने कहा बेनिफिट क्या, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर भाई, आज मैं उनके रहमो करम से गाता हूँ, हाँ, कि बस उन्होंने आपका कुछ नाम सिखाया हो आपको? रहा है, मैंने यही कहा बस। नहीं। वो बोले मुझसे आपको उन्होंने कुछ सिखाया कभी? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो तो मैं अपनी मेहनत से लगन से सीखा हूँ। और वो बोले कि आपका ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है, आपको मालूम है क्या? मैंने कहा जी मुझे तो मुझे मालूम नहीं है। तो हाँ वो बोले कि आपका आपके है ना आपके लिए वहां से पैसा आता है, कि आरिफ को है ना किसी चीज की साउंड की किसी चीज की परेशानी नहीं होना चाहिए और उसकी रहन सहन की आप ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा यार उन्हें तो वो तो मुझे नहीं देते पैसा। तो वो बोले कि अब इनको वीडियो देना बंद कर दो आप। मैंने वीडियो देना बंद कर दिया, 6 महीने अच्छा हो गए उनको वीडियो नहीं दे रहा मैं। सही किया, सही किया, नहीं देना चाहिए। आपके जी जी जो आप कर जी रहे हैं जी उनका, आपका हक का पैसा तो आपको मिलना ही चाहिए। सही जी 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 मैंने उनको वीडियो देना बंद कर दिया आप। अच्छा, तो सर मैं दूसरा आपसे सवाल पूछता हूँ एक, कि जी आपकी लाइफ में आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में, और आप कैसे उससे उभरे हैं? लोइस जैसे थोड़ा हिंदी करके समझाइए, इंग्लिश सर कमजोर है। सबसे सबसे नीचे का पॉइंट, मतलब एकदम जब आप आपका कंडीशन एकदम खराब हो, हालत आपकी खराब हो लाइफ में, फिर वहां से आप उभरे कैसे हैं? हाँ जब मैं स्टेज पे गाता था, कमिश्नर साहब, डीएम हाँ साहब, एसएसपी, डीआईजी, कलेक्टर और ये लोग मेरे प्रोग्राम में आते थे, सब आते थे। और जो भी मुझे जी हाँ जहाँ भी मैं प्रोग्राम बहुत करता बढ़िया। था तो हाँ जो लोग मुझे बुलाते थे, वो लोग गेस्ट इनको चीफ गेस्ट इनको बनाते थे, रिबिन काटने के लिए इनको बुलाते थे और स्पेशल परफॉर्म मेरे कराते थे, क्योंकि अच्छा फर्स्ट टाइम जो गाता है ना वो स्पेशल स्पेशल सिंगर होता है, तो वो फर्स्ट टाइम क्योंकि मन से गाता था मैं। तो जैसे कमिश्नर साहब थे और ये डीआईजी साहब, आईजी साहब और ये डीएम साहब जैसे ये लोग थे, तो ये लोग मेरा नंबर ले लेकर ले लिया करते थे। एक बार
एक बार ऐसा एक हादसा हुआ मेरे साथ। हादसा क्या था, बस वो जरा मेरी खुशनसीबी थी कि एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट नहीं किया। तो वहां मेरे छोटे भाई का फोन आया, वो बोला मुझसे कि भाई यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है सिंगिंग का, तो आपको यहाँ यहाँ आप यहाँ आ जाइए, यहाँ तो लोग है ना बड़ा ऐसा गा रहे और वैसा गा रहे। मैं बोला बेटा ऐसा है, बिना दावत के मैं कहीं भी नहीं जाता, अगर ये लोग मुझे हाँ इनवाइट करते मैं आता है ना। लेकिन उनको अब मेरा भी मेरठ के अंदर नाम है, ऐसी बात नहीं कि भाई मैं पुच्छा पुच्छा गाने वाला हूँ। भाई लोग जानते हैं कि आरिफ अन्ना टॉप हाँ सिंगर है ना। तो अब मैं बगैर बुलाए वहां पहुंच जाऊं तो वो क्या क्या सोचेंगे कि ले भाई यही पर गाना गाना गाने के लिए आ गया है हमारे पास। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे नहीं आता। तो उन्होंने एक दिल्ली के एक अनाउंसर थे एंकर, वो बहुत अच्छे एंकरी करते हैं और वो बॉलीवुड में एंकरी करते हैं, सीधे बॉलीवुड में एंकरी करते हैं, वो जो हाँ बॉलीवुड में प्रोग्राम होते हैं वो वहां एंकरी करते हैं। वो उस प्रोग्राम में आए हुए थे, तो किसी ने ये बतलाया कि अगर आरिफ भाई को यहाँ गवाना हो ना तो इनको इनसे इन सेटिंग कर लो, आरिफ भाई भी 1 मिनट में आ अच्छा जाएंगे। तो वो मेरा छोटा भाई वहां पहुंचा, उनसे बोला कि जी ऐसा है मेरे भाई हैं बहुत ही बेहतरीन गाएंगे, और सबसे बढ़िया बात एक तो उनकी आवाज बहुत अच्छी, और फिर वो डिसेबल है। वो बोले डिसेबल डिसेबल और अच्छा गाते हैं। उनका उनके देख लो, अगर मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए मैं यहाँ पे अनाउंस करूंगा उनके लिए। वो बोले हाँ मेरा छोटा भाई बोला, मेरा छोटा भाई बोला हूँ कि अगर वो यहाँ पर आने आके इन सब सिंगरों पर पानी फेर दें तो बात रही, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर है ना आप जूतियों की माला मेरे गले में और मेरे भाई के गले में डाल देना। अच्छा वो बोले ठीक है, तो अपने भाई को बुला लो। वो उनके जी ऐसा है सर, आप अपने अपने फोन से कर दीजिए, तो भाई साहब आ जाएंगे, मेरे फोन से नहीं आने के। चलो मैं करता हूँ, नंबर दीजिए आप। उन्होंने मेरा नंबर मेरे भाई से लेके मुझे कॉल किया। आरिफ जी बोल रहे हैं, मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। वो आरिफ जी ऐसा है आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ सिंगिंग का, हाँ तो यहाँ पर आप आ जाइए, आप एक सॉन्ग आपका कराना है मुझे। मैंने कहा सर आप कौन? मुझे बेटा मैं बॉलीवुड से हूँ और मुझे आपका एक परफॉर्म कराना है। मैंने कहा मैंने सोचा यार चलो क्या पता ये आदमी हकीकत में बॉलीवुड से हो। हाँ मैं वहां बड़े लोग आए हुए थे उस दिन, मैंने देखा कि मेरी लाइफ उस दिन पहली बार मुझे हैसियत पता चला अपना, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, मैं तो अपने दिव्यांग कैटेगरी में बैठूंगा या फिर मेहनत मजदूर करने वाला इंसान रिक्शा चालक हुई है उसके पास बैठूंगा, मुझे फर्स्ट सीट तो मिलने वाली नहीं है। तो मैं जब मैंने वहां एंट्री ली, मुझे गार्ड साहब लेने के लिए मुझे वहां पर आगे वीआईपी कोटे में बिठाया, मैं समझ गया भाई मैंने उस्ताद आज कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला मेरे। फिर वहां पर जो थे 23वां नंबर मेरा था, नहीं सॉरी 21 नंबर मेरा था, 21 नंबर साउंड मेरा था। तो जो बॉलीवुड से जो लोग आए हुए थे, बंबई से जो लोग आए हुए थे, वो 17 नंबर के गाने सिंगर को सुनकर वो लोग जाने लगे सब। तो जब मेरा नंबर अच्छा आया तो कुल मिला के, हाँ कुल मिला के 15-16 लोग वहां कुल लोग रह गए। हाँ तो वो परफॉर्म बाहर की थी, तो इस वजह से वो लोग मुझे जानते नहीं थे कि आरिफ है। तो सारे लोग बाहर से आए हुए थे, वो मेरठ का कोई लोग नहीं था उसमें। तो जब वो लोग हॉल से बाहर आने के बाद एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे थे, एक दूसरे से मालूमात कर रहे थे आप कैसे हो आप कैसे नहीं हो, तो उधर मेरी परफॉर्म चालू हो गई। जब मेरी परफॉर्म चालू हो गई तो मैंने सूरज फिल्म का एक सॉन्ग ले रखा था, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग था वो। मैंने हाँ उसमें एक लोच आ रही थी, जितने के आसमान पर तारे हैं बे शुमार, तो ये लोच थी। तो ये बहुत मुश्किल से, या तो रफी साहब ने कही है, इसको मैं कहता हूँ कॉपी करता हूँ मैं रफी साहब की। तो जब अच्छा मैंने ये लोच कही, हाँ जब भी मैंने इसको लोच बोलते हैं, जब मैंने लोच कही तो जो जितने भी बाहर बाहर बॉलीवुड जो जितने भी एक्टर्स आए हुए थे अदाकार आए हुए थे, तो उनके कानों में मेरी आवाज गई, तो उन्होंने वो सोचे कि असली सिंगर अब आया अंदर, चलो इसको सुनते हैं पहले फिर बाद में करते हैं गुफ्तगु, पहले ऐसे सुनते हैं। वो अंदर आए, अपने अपनी चेयर ली और मेरा मेरी परफॉर्म पूरी सुनी, के बाद मेरा इंटरव्यू लिया और अब मेरे साथ सेल्फी ली और क्या बोलते हैं उसको ऑटोग्राफ ली मेरे। हाँ हाँ मुझसे बोले कि आरिफ जी आप बम्बई आइए। मैं बोला मैंने कहा जी अगर ऐसा नसीब होगा मेरा बम्बई भी पहुंचूंगा, लेकिन जाऊंगा जब जब बम्बई मुझे बुलाया जाएगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मैंने सुना है कि बंबई में जाने के बाद है ना आप लोग 6-6 महीने वहां धक्के खाते हैं, वहां किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं तो दिव्यांग हूँ, डिसेबल हूँ, अब मैं रोज जाऊंगा रोज आऊंगा, हाँ मैं रोज जाऊंगा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मैं जब जाऊंगा दिल्ली बॉम्बे, कि जब वो बम्बई से मुझे कहीं से बुलावा आएगा, तो उन्होंने बम्बई जाकर मेरा नंबर किसी बड़े एक्टर्स को दिया, उनका मुझे फोन आया, आरिफ जी से बात हो रही, मैं इनका जी हाँ मेरी आरिफ, मैं आरिफ ही बोल रहा हूँ जी। वो बोले कि ऐसा है आरिफ जी, एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम 1 अप्रैल में, और इसको दिल्ली आना है, आप आपको नजदीक पड़ेगा? मैं इनका जी हाँ नजदीक पड़ेगा, तो आपको दिल्ली आना है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं दिल्ली आ पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं वहां दिल्ली पहुंच गया। तो सर बस ये बात ध्यान से सुनने वाली है, उस प्रोग्राम में लता मंगेशकर जी आ रही थी, अरे वाह, और हाँ बॉलीवुड सिंगर चंचल जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने अवतार हाँ फिल्म में एक भजन गाया था, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। हाँ 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 सुना है, बहुत बार सुना जी है। जी हाँ जी। तो नरेंद्र चंचल जी आने थे और लता मंगेशकर जी आनी थी उस प्रोग्राम में, और मेरा मैसेज जो था लता जी के हाथ में था, अच्छा मेरा मैसेज जो था लता जी के हाथ में था कि यहाँ पर एक डिसेबल सिंगर आ रहा है और बहुत टॉप लेवल का गाने वाला है, और आप उसको बड़े ध्यान से सुनना। तो लता जी बोली ठीक है भाई, मैं पहुंचूंगी उस प्रोग्राम में, उस बच्चे को सुनूंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके एंड टाइम पे उनकी तबीयत खराब हो गई लता जी की, लेकिन उन्होंने मेरी सिक्योरिटी लगा दी वहां, उस जहां जिस जगह पर वो प्रोग्राम था, मेरी सिक्योरिटी लगा दी वहां। तो मैंने उनको फोन किया, थोड़ा फासला था मेरा कोई 1-1.5 किलोमीटर का, मैंने फोन किया, मैंने कहा वो सर मैं वहां पहुंच चुका हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इस जगह आ जाइए, मैं वहां पहुंच, तो मैं तो डिसेबल हूँ ना, मेरे पे व्हीलचेयर ना मेरे पे ट्राई साइकिल, मैं तो अपनी गाड़ी से उतरा और एंट्री ले रहा, वो मुझे बाहर, कम से कम 6 लोग थे, वो मुझे गए और मैं अंदर एंट्री ले चुका था। हाँ जहाँ वो फार्म भरने थे ना, वहां मैंने देखी भीड़, वो कम से कम 6,000 लोग, जो जिनकी जो परफॉर्म करने वाले थे, जो ऑडियंस थी कम से कम 4,500 ऑडियंस भी थी वहां। तो मैं जब अरे वहां जी, तो जहाँ जहाँ वो एंट्री हो रही थी, मैं उनसे बोला मैंने सर मुझे, उन्होंने देखा आपका नाम आरिफ उमर है, मैंने कहा मेरा नाम आरिफ उमर, सर आपकी एंट्री, मैंने कैसे कैसे एंट्री, क्या आपकी एंट्री जो लता मंगेशकर ने पहले कर दी थी, कहाँ वाह, जाकर बस आप जाना है, उसको मालूम नहीं था कि मैं हाँ आरिफ हूँ, ना उसको ये पता था कि यहाँ पर मेरी परफॉर्म है। तो वो गार्ड सुनने गए, हाँ जी बोलिए, मैंने कहा सर मुझे एंट्री लेनी है अंदर, वो बोले क्या क्या है आपका, मैंने कहा जी मेरी परफॉर्म है, तो लाओ फॉर्म दो, मैंने कहा सर मेरा फॉर्म तो आप पहले ही बतला रहे कि लता जी, कहा जी हाँ यहाँ पर रोज लता जी भेजे हैं, आप वापस जाओ पहले फॉर्म लेकर आओ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बहस नहीं कर सकता था उनका, क्योंकि उनका नियम रूल्स वो अपने रूल से सही थे वो। मैं वापस नीचे आया, मैं नीचे आने के बाद बोला, मैंने कहा सर मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं भर लूंगा फॉर्म। तो वो बोले कौन है गेट पे, मैंने कहा जी फला, उठ के मेरे साथ गए, वो उठ के मेरे साथ गए, और वो बोले उनसे दरवाजा बोला, उनका हाँ जी, उनके दरवाजा खुला, बोले हाँ जी मालूम है आप किसको मना कर रहे हो, ये आरिफ उमर है मेरठ से आए, लता जी ने स्पेशल इनके लिए बोला है। वो बोले मतलब ये जो मेरठ से आए वहाँ ये वो ये हैं, वो ये सॉरी सर मुझसे गलती हो गई और माफी चाहूंगा। हाँ, उनको मालूम है आपकी एक शिकायत मेरी नौकरी खत्म कर सकती थी यहाँ से आज। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे किसी की नौकरी खत्म नहीं करनी, मुझे खाली अपनी परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करनी है अपनी। तो मेरा नंबर वहां पर 57 सिंगरों के बाद था, ओ सॉरी 56 सिंगरों के बाद, और वहां पर 13 नंबर पे एक लड़की गा रही थी। तो जब मैं वहां पहुंचा, बहुत बड़ा, मैंने फर्स्ट देखा, बड़ा अच्छा लगा, इस बार अच्छी एक ऐसी गाना आऊं यहाँ पर और बहुत मजा आएगा। तो जो वहाँ म्यूजिशियन थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं ना, जो म्यूजिक पीछे म्यूजिक देते हैं, वो उन लोगों के साथ हाँ बजाते हैं, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, साधना हाँ हाँ सरगम, हाँ ये जितने भी बड़े सिंगर होते हैं ना, इनके साथ बजाते हैं, जो वहाँ म्यूजिशियन बैठे थे बजाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर।
वो सब वही लोग थे वहां। अच्छा, मैंने वहां जाके अंदर फोन करा, मैंने कहा सर मैं अंदर एंट्री ले चुका हूँ, मैं हॉल में भी आ चुका हूँ अंदर। वो बोले कहाँ पर हो आप, जरा इशारा करो हाथ से। मैंने हाथ लाया, वो बोले अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए। वो जज के पास गए वहां पर, और जज से बोले उनके साहब कौन सा नंबर चल रहा है। वो बोले जी 13 नंबर पे एक लड़की गा रही है। उनके साहब 14 नंबर को रोक दीजिए, और मेरठ से एक बंदा आया जिसको लता जी अच्छा ने भेजा है, हाँ उसकी परफॉर्म लगाइए वहां फौरन। तो सिंगरों को क्या पता मेरा नंबर कब का कब का नहीं है। तो टोकिन मिलते हैं वहां पर, वो सीने पे लगा लेते हैं हम लोग, तो टोकिन वो हमारे सीने पे लगा रहता है। तो मुझे वहां पर 14 नंबर का टोकिन मिल गया, मैं वहां अपने परफॉर्म करने के लिए, मुझे गोद में लेकर आए लोग, तो ऑडियंस ऐसे भेरा भेरा के देख रही है क्या है, क्या चीज आई आज, क्योंकि गोद में आया ना मैं वहां, तो सोच रही ये क्या करके दिखलाया। अच्छा मैं तैयारी किसी और चीज की करके गया था वहां कि मैं वहां पर ये गाऊंगा, लेकिन जब मैं वहां देखा कि मेरी तो कंपटीशन सा हिसाब हो रहा है होता है मुझे, तो मैंने सोचा मैंने कहा यार यहाँ जो जज बैठे हैं मुझे ऑडियंस को लुभाना नहीं है, यहाँ जज जो बैठे हैं इनको लुभाना। जैसे मैं अपनी चेयर पे, मुझे चेयर रखी गई, हाँ और जैसे मैं अपनी चेयर पे आया तो पहले सबसे पहले वहां किसी के लिए कुछ नहीं था, पहले सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता आया, और उसके बाद मेरी परफॉर्म कराई। तो मैंने परफॉर्म में बेजू बावरा का सॉन्ग था ओ दुनिया के रखवाले, बहुत अच्छा बहुत डेंजरस सॉन्ग है वो, कि उसको कोई भी बड़ी मुश्किल आसानी से नहीं गाता, बहुत मुश्किल हो जाता उसके लिए गाने के लिए। तो मैंने उसको वो सॉन्ग वहां लिया, उसको गाया। तो मतलब फिर वो जो लता जी तो आई नहीं थी, नंद चंचल जी बैठे थे इस लड़के से मेरी मुलाकात करवाना, दीदी ने बोला इस लड़के से मुलाकात करने का। तो वो मेरे से मेरे पास आए, बोले कि आपसे ना 1 घंटे के बाद है ना सर मिलेंगे। उनके गार्ड्स आए मेरे पास, वो बोले कि आपसे ना नरेंद्र जी 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात करेंगे, हम सुन रहे हैं ना वो, तो उसके बाद वो जब जाने को होंगे आपसे मिलकर जाएंगे वो, तो आप है ना 1 घंटे के बाद। रूम था वहां, तो दीदी माँ थी और मेरे बहुत सारे गार्ड लगा दिए कि मुझसे कोई नहीं मिलेगा वहां। नरेंद्र चंचल जी 1 घंटे बाद आए, मेरे से मुलाकात करी, मेरे साथ फोटो वोटो कराए उन्होंने। वो मुझसे बोले कि आरिफ जी आप है ना बॉम्बे आइए। मैंने कहा सर ठीक है, अगर अच्छा आप कहेंगे तो मैं बॉम्बे आ बॉम्बे आ जाऊंगा मैं। तो मैं फिर भी मेरा जाना नहीं हुआ। तो उसके बाद एक परफॉर्म में मेरठ की थी, मेरा एक दोस्त है अमित शर्मा मेरठ में रहता है। अच्छा वो भी डिसेबल है एक पैर से, वो भी डिसेबल है एक पैर से। तो वो हम दिव्यांगों के प्रोग्राम कराते रहता है, दिव्यांग भाइयों के हमारे प्रोग्राम कराते रहता है। उसने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में गाने के लिए, मैं गया वहां। तो उसने मेरा एक बम्बई भेजा, तो बॉम्बे में एक दृश्य दिव्यांग शक्ति, उसकी अध्यक्ष है गीता पोदवाली, वो के प्रति इस टाइम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो हाँ, तो वो उन्होंने मेरी वीडियो वहां पहुंचाई मैम के पास, किस लड़के का नंबर दो। अमित ने मेरा नंबर दिया, मैम ने मुझे फोन किया, मैम आरिज की परसेंटेज है आप, मैम के 100% हूँ, बॉडी मेरी काम ही नहीं करती है मतलब। तो मैम बोली आरिज जी चलो अब वो दुख भरे दिन बीत गए, अब जो है ना आपके लिए मैं एक यहाँ स्टेज बना रही हूँ मेरे यहाँ, मेरे मैंने एक प्रोग्राम रखा था दृश्य दिव्यांग शक्ति कंपटीशन। हाँ तो मैंने उस कंपटीशन में मैंने भाग लिया और वहां से फर्स्ट प्राइज लिया। फर्स्ट प्राइज मिला कम आपको से कम उसमें हम, सर, जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 33 लोग, हाँ थैंक यू सर। उसमें दुबई तक की सिंगर थी, एक लेडी थी, एक लड़की थी दुबई की, वहां से भी वो सिंगिंग कर रही थी। और उसमें हम सब 33 लोग थे, 33 टॉप सिंगर, जो मतलब छटने के बाद फाइनल में गाने आए थे हम, तो छटने के बाद हम 33 लोग रह गए थे, 33 में गाने थे, गाने था हमें। उस 33 लोगों में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था बहुत बढ़िया सर। जी। तो आज म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलंद,
ये बहुत सारी फिल्मों में अपने सॉन्ग दे चुके हैं। सुना है, सुना है हाँ मैंने भी उनके ये नाम। बहुत जी, तो ये बहुत सारी फिल्मों में अपने साउंड साउंड दे चुके हैं। और ये अगर कोरोना काल नहीं आता ना तो मैं बॉलीवुड में गाता वो होता अब। अच्छा सर, तो कुछ जी नहीं, अभी जी खत्म हो हाँ जाएगा तो उसके बाद आप गाएंगे और सुनने वाले हाँ करोड़ों उन्होंने सोलह फैन। जी 16 गाने उन्होंने लिख के रख रखे हैं मेरे लिए। और अच्छा एक लेडी है, एक लड़की है, हाँ, जो आंखों से देख नहीं पाती, और वो भी अच्छे लेवल पे, उसको भी मैंने बम्बई गवाया है अपने मेरी मतलब मार्फत से मैंने बम्बई गवाया उस लड़की को भी। तो अभी मेरे जोड़े में वो मेरी डुएट में मेरे साथ वही गाएगी बम्बई। अभी एक प्रोग्राम है मेरा 24 मार्च का, बॉम्बे प्रोग्राम होने जा रहा है मेरा, और ये गीता मैम करा रही है हमारी। और उसके बाद एक प्रोग्राम होगा मेरा हैदराबाद में, तो उसमें सुरेश वाडकर वो करा रहे हैं उसको, उनको 11 और 11 फिल्म राम तेरी गंगा मेली में सुरेश वाडकर जी ने गाया था। तो वो सॉन्ग उन्होंने मुझे दे रखा है कि आप ये गाँव सॉन्ग गाओगे हैदराबाद में। एक एक प्रोग्राम है मेरा आंध्र प्रदेश में, तो अच्छा ये मेरा 20-25 दिन का टुकड़ा रहेगा बॉम्बे का। और अभी मैंने एक प्रोग्राम कल दिया था ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम मैंने, जबकि मैं 6 महीने से इनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं मुझे इनके ऊपर एतबार नहीं हो रहा था। जैसे मैं पीछे बेवकूफ बनता आया था, तो मैं सोच रहा था कि इसी तरह से अभी मेरा बेवकूफ बनाया जाए बनाएगा, लेकिन अब ना थोड़ी समझ आ गई है कि कौन बेवकूफ बनाता है कौन नहीं बनाता है। तो मैंने अभी उनसे कल एक प्रोग्राम दिया था, तो एक गाना है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ, जी हाँ, तो मुस्तमिद मीटिंग करते हैं हम, तो मेरा नंबर सातवां नंबर था कल, तो मैंने उसको पत्ता पत्ता बूटा बूटा गाया था जब मैंने अंतरा लिया उसका, तो चेंजर जिसे बोलते हैं, कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते ये लो, कोई की खातिर तड़पे आ गए तो हंसते ये लो, बेगाना आलम के सारा यहाँ तो कोई गमारा, दर्द नहीं पहचाने पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने के पत्ता पत्ता। तो जब मैंने ये सॉन्ग गाया कल, तो सब वो ये बोल बहुत रहे, थैंक यू सर, तो वो ये बोल रहे, आरिफ सर मैंने सुना था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आज पहली बार खुद मुझे पता कि ओरिजिनल बैठे थे ना, तो कि मैं को सुन रहा कि मैं ओरिजिनल रफी साहब। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं आ तो रही रहती हूँ बराबर आ सर। रही अच्छा 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 सर, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आपको किसने जी। इंस्पायर किया? हमें तो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बट आपको किसने इंस्पायर किया था? मोहम्मद रफी साहब थे जब मैंने गाने की शुरुआत मोहम्मद रफी की साहब। अच्छा जी, तो उस वक्त वो एक्सपायर हो चुके थे। तो जब मुझे मैंने शुरुआत की, तो उसमें रफी साहब का एक बहुत दर्द भरा सॉन्ग था, फिल्म थी दो बदन। तो वो उनका वो जो सॉन्ग था मेरी जिंदगी से जुड़ रहा था, वो रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कहीं डगमगाती कश्ती कहीं खो गया किनारा। मैं सोचता था कि अगर मैं भी चल पाता किसी की तरह, वो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मतलब आपका यही सब बहुत अच्छा रहा, रहा गर्दिशों मेरे इश्क।
तो मैं और गाते गाते सोचता था। तो कई बार मेरी लाइफ में कि 4-5 बार कि मैं सो गया और सोने के बाद अजी साहब मेरे सपने में आए और वो मुझे समझा रहे हैं कि बेटा इसको, हाँ उस बेटा इसको इस तरह से गाया करो, उसको इस तरह से गाया करो, और आप बहुत जल्दी मेरा नाम रोशन करने वाले हो, दोबारा मुझे जिंदा करने वाले हो आप। तो उनका वाह आशीर्वाद सर, मिला था मुझे जी। थैंक यू सर उनका। आपकी आवाज भी ऐसी है, बुलंद है एकदम, बहुत ही जी, अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर आपका ये वीडियो अभी जो हम लोग YouTube पे डालेंगे और हर जगह सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो आप जी कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहेंगे लोगों को जिससे आप इंस्पायर कर सके उनको? मैं आप यही कोई वीडियो यही जो भी कहना देखेंगे चाहूंगा। मुझसे। हाँ सर, हाँ, बस मैं यही कहूंगा कि जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं और जितने भी मेरे दर्शक मुझे देखेंगे या सुनेंगे, हाँ, सबको मैं बधाई दूं। और स्पेशल मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूं, देखिए भाइयों और बहनों, हम शरीर से दिव्यांग हैं, सोच से नहीं। अगर हम चाहें तो सामान्य लोग नहीं कर सकते, वो काम हम करके दिखा सकते हैं। वाह सर, सर बहुत जी ऊंची सोच है आपकी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया लगा सर। अच्छा, अभी ये इंटरव्यू के अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। आपके पसंद का जो भी एक गाना है वो हम दोनों को एक बार जी सुना दीजिए, हम दोनों सुनना चाहते हैं एक जी बार। ओके ओके, अगर आपकी समझ में आए तो शायद मुश्किल है, लेकिन हाँ, आवाज मेरे को समझ पा सकते हो, हाँ क्योंकि सर, ये इतने बड़े, हाँ, ये इतने बड़े सिंगर हैं जिन्हें मैं गाने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान के सिंगर हैं और अपने इंडिया आ गए थे ये। हाँ, यहाँ बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए उन्होंने और ये यहीं पर ही एक्सपायर हुए थे, तो शायद आपको ये सॉन्ग समझ में ना आए, लेकिन हाँ, मेरी वॉइस आपको समझ में आएगी जरूर। बच्चों चुप हो जाओ बेटा। याद तिहारी मोरा मन तड़पावे, सारी रहना नींद ना आवे। याद तिहारी मोरा मन तड़पावे, सारी रहना नींद ना आवे। बिरहा की मारी देखूं चाहती दोने नौके दीप जला, जलू तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना सुनावरे, तोरे भी नहीं दिया जाए ना, जलू तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तोरे बिन जिया जाए ना। सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थैंक बढ़िया यू, थैंक यू सो मच बहुत ही सर। अच्छा था सर, बहुत अमेजिंग। थैंक यू मतलब थैंक यू सर आपका थैंक यू वीडियो थैंक में यू इतना अच्छा थैंक यू गाना आ मैम, रहा है, सामने से सुनने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा लोगों को। सर आप कभी अगर आए थैंक यू मुंबई तो थैंक हम लोग भी सुनने आएंगे पक्का यू। जी, मुझे नंबर दे सर। दीजिएगा आप अपना, हमारे अभी मैं, हाँ हाँ सर, हाँ, तो जब भी मेरा प्रोग्राम होगा बॉम्बे, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा सर शुक्रिया जी। सर, बहुत बहुत। और वो जो आपका जो आपका टोकिन होगा ना वहाँ एंट्री का, हाँ वो भी मेरी तरफ से होगा अरे बढ़िया सर, सर बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी 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 ये हमारे दोराई फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, जी इसी का कैन यू प्रेजेंट सर।
सो आपने जो हमें टाइम दिया इतना, सर उसके लिए ही थैंक है, यू थैंक यू थैंक जो यू रही सो मच, फाउंडेशन थैंक यू में सो इतना मच। काम कर रहा है। सही, जी आपको जी व्हाट्सएप थैंक यू कर दिया थैंक यू सो जाएगा। मच। जी, ओके सर, तो आपका ओके सर थैंक यू सर, इंप्रूवमेंट थैंक है। यू थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। सो थैंक मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके सर, बाय बाय बाय। बाय बाय। क्या बढ़िया लिया यार, अच्छा लिया तू। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग।